तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन के आधे मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। आईपीएल अपने मिडवे पर पहुंच चुका है और आईपीएल के आधे मैचेस कंप्लीट हो जाने के बाद आज तीन टीमों के लिए बुरी खबरें निकल कर आई है और तीन टीमों को यहां पर आईपीएल 2020 के सीजन के अपकमिंग मैचेस को लेकर बड़ा झटका लगा है। तीन टीमों को यहां पर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। मैं इस वीडियो में आपको उन तीनों ही टीमों के नाम बताऊंगा और बताऊंगा कि इन तीनों टीमों के लिए आज आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर कौन सी बुरी खबरें निकल कर आई है। तो वीडियो में आपको तीनों टीमों के नाम और सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी तो आप इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जिन तीन आईपीएल टीमों के लिए बुरी खबर निकल कर आई, इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है केकेआर की टीम का। दरअसल कल केकेआर की टीम ने पंजाब की टीम को कल हुए मुकाबले में हरा दिया था, लेकिन उसके बावजूद यहां पर केकेआर की टीम को दो बड़े झटके लगे, दो बुरी खबरें इस टीम के लिए निकल कर आई है। जो सबसे पहली बुरी खबर इस टीम के लिए निकल कर आई है वो ये आंद्रे रसल की इंजरी को लेकर। दरअसल कल फील्डिंग करते वक्त आंद्रे रसल इंजर्ड हो गए थे और उनकी इंजरी इतनी सीरियस थी कि कल के मैच में उन्होंने उसके बाद एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं करी थी। और अब जो उनकी इंजरी की रिपोर्ट निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि वो पूरे आईपीएल सीजन में हमें गेंदबाजी करते हुए ना दिखे, उनकी इंजरी इतनी सीरियस फिलहाल दिख रही है। इसके साथ ही जो कल केकेआर की टीम का अगला आईपीएल का मैच होगा उस मैच में शायद आंद्रे रसल को रेस्ट मिल सकता है। शायद अगर ये पूरी तरीके से फिट ना हो तो हमें प्लेइंग 11 का भाग ये होते हुए ना दिखे। इसके साथ ही जो केकेआर के लिए दूसरी बुरी खबर निकल कर आई है वो आई है सुनील नारायण को लेकर। दरअसल पिछले दो मैच में अगर हम बात करें सीएसके के खिलाफ या फिर बात करें पंजाब के खिलाफ, तो इन दो मैचों में आंद्रे रसल ने गेंदबाजी के थ्रू यहां पर केकेआर की टीम को काफी कंफर्टेबली मैचेस जिताए हैं। लेकिन अब यहां पर सुनील नारायण और केकेआर की टीम को बड़ा झटका लगा है। अंपायर ने सुनील नारायण के बॉलिंग एक्शन को यहां पर सस्पेक्टेड बताया है और सस्पेक्टेड रिपोर्ट किए जाने के बाद अगले मैच में हमें सुनील नारायण डेथ में गेंदबाजी नहीं करते हुए दिखेंगे। अगर उनका एक और बार बॉलिंग एक्शन सस्पेक्टेड पकड़ा जाता है या फिर अंपायर द्वारा रिपोर्ट किया जाता है तो उन्हें पूरे आईपीएल सीजन से गेंदबाजी से बैन कर दिया जाएगा, यानी पूरे आईपीएल सीजन में वो हमें दोबारा गेंदबाजी करते हुए नहीं दिखेंगे। हाल फिलहाल में केकेआर की टीम पॉइंट टेबल में सही पोजीशन पर बनी हुई है, लेकिन अगर आंद्रे रसल तो गेंदबाजी नहीं करेंगे, लेकिन अगर सुनील नारायण की भी गेंदबाजी पर बैन लग जाता है तो ये टीम काफी अधिक समस्याओं में आ जाएगी। तो ओवरऑल कल का मैच जीतने के बावजूद केकेआर की टीम को दो बड़े झटके लगे हैं। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग अगले मैच में यहां पर आंद्रे रसल की जगह किसे प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए और सुनील नारायण के अब गेंदबाजी ना करने पर डेथ में किससे गेंदबाजी करवाई जानी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है सीएसके की टीम का। दरअसल सीएसके की टीम के लिए अब तक के आईपीएल इतिहास का ये सबसे खराब आईपीएल रहा है। अब तक खेले गए 7 मैचों में से इस टीम को केवल 2 ही मैचों में जीत मिली है और अब इस टीम को जो बड़ा झटका लगा है वो लगा है प्लेऑफ्स की उम्मीदों को लेकर। दरअसल अब सीएसके की टीम की प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीदें लगभग समाप्त हो चुकी है या फिर काफी कम हो चुकी है। अब इस टीम को प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए अपने बचे हुए 7 मैचों में से अब 6 मैच जीतने पड़ेंगे तभी यह टीम कंफर्टेबली प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर पाएगी। अदरवाइज यह टीम भी पंजाब के साथ हमें आईपीएल से बाहर होती हुई दिखेगी और सीएसके की टीम के लिए बड़ी समस्या यह बढ़ चुकी है। इस टीम के पास कोई भी बैकअप या फिर बेंच स्ट्रेंथ नहीं बची है। इस टीम के पास कोई भी वो प्लेयर नहीं है जिसे यह टीम प्लेइंग 11 में इंक्लूड करके अपनी समस्याएं समाप्त कर सके। अब इस टीम को या तो क्रिस गेल या फिर अजिंक्य राणे को ट्रेड करना पड़ेगा और यह टीम उनको मिड सीजन ट्रांसफर के जरिए अपनी टीम में लेने का पूरा प्रयास कर रही है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग सीएसके की टीम में कौन सा प्लेयर आने पर सीएसके की टीम की समस्याएं समाप्त हो जाएगी, आप उस प्लेयर का नाम कमेंट जरूर करें। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे और आखिरी नंबर पर नाम आता है पंजाब की टीम का। दरअसल पंजाब की टीम लगातार 5 आईपीएल के मैचेस हार चुकी है और 5 आईपीएल के मैचेस हार जाने के बाद अब इस टीम के ओनर्स इस टीम के कोचिंग स्टाफ पर भड़क चुके हैं और अनिल कुंबले और इस टीम के ओनर्स के बीच कहा सुनी हो चुकी है। इवन अनिल कुंबले अब शायद इस टीम को इस आईपीएल सीजन के बाद हमें छोड़ते हुए दिखेंगे और पंजाब की टीम के खिलाफ एक पंजाब की टीम का एक यूनिक रिकॉर्ड आईपीएल में बन चुका है। इस टीम ने सबसे ज्यादा कोचेज और सबसे ज्यादा कप्तान अब तक आईपीएल में बदल दिए हैं और रिपोर्ट तो ऐसी भी निकल कर आ रही है कि शायद केएल राहुल इस आईपीएल सीजन के मिडवे में इस टीम की कप्तानी छोड़ सकते हैं या फिर इस आईपीएल सीजन के बाद वो पंजाब की कप्तानी छोड़ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में पंजाब के
ओनर्स, पंजाब के कप्तान और पंजाब के कोचिंग स्टाफ के बीच कहासुनी शुरू हो चुकी है, इनके बीच विवाद शुरू हो चुका है और अब लगभग जल्दी ये पूरी तरीके से रिवील हो जाएगा आखिर किन बातों को लेकर, किन कारणों को लेकर इनके बीच विवाद चल रहा है। और अब पंजाब की टीम को प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए अपने बचे हुए 7 में से पूरे 7 मैच जीतने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी मुश्किल दिख रहा है, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत पंजाब की टीम के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के चांसेस बचे हुए हैं। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या पंजाब की टीम अब भी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है, आपके अकॉर्डिंग अब भी इस टीम के चांसेस है या फिर नहीं, और आपके अकॉर्डिंग क्या सचमुच केएल राहुल को कप्तानी से हटाने के बाद ये टीम आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी या फिर नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।